ये रहा रफीक भाई का शॉप। तो अभी अपना GoPro का जो सी टाइप पोर्ट है तो वो तो खुल गया है और उसमें अभी देख रहे हैं रफीक भाई कि प्रॉब्लम क्या है। तो वेलिंगटन से अपने बाइक के लिए बहुत सारा सामान लेना है, तो मोटो ब्लॉगिंग करने में अभी कुछ दिन दिक्कत होने वाला है क्योंकि मेरे पास एक ही बैटरी है जो कि 15 मिनट चार्ज देता है। तो ये वाला जो केबल है ये हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा था, इसलिए हमको वेलिंगटन जाना पड़ा। और ये रहा आकाश भाई ने नया गैराज खोला है, ज़रूर एक बार विजिट करके जाना। यार बाहर का वेदर जो है ना ये बहुत ही खतरनाक वाला वेदर है, इतना गर्मी, पूरा लू चल रहा है। तो अभी बाहर का टेम्परेचर जो है ना ये 40 से ऊपर ही होगा, उसके नीचे नहीं, क्योंकि इतना तेज गर्मी, भाई क्या बोलूँ। लग तो रहा है कि एक अंडा और पानी लेके यहाँ पे अगर रख दूँ तो वो बॉयल हो जाएगा। तो बहुत दिन बाद आज मैं अपने होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों को लेके जा रहा हूँ मार्केट पे। तो ये हम लोगों का शॉपिंग नहीं है, ये शॉपिंग जो है ये विरोनिका के लिए है। तो अभी हम पहुँच गए हैं मेट्रो गोली रफीक भाई के पास। ये रहा रफीक भाई का शॉप। तो यहाँ पे अभी हम अपने GoPro को दिखाने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इसका प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करने को। तो यहाँ पे अभी हम लोगों का GoPro का काम चल रहा है जो रफीक भाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता कि नहीं। पर सबसे बड़ी दिक्कत है ये गर्मी, ये देखो गर्मी में क्या हाल हो चुका है। तो अभी अपना GoPro का जो सी टाइप पोर्ट है तो वो तो खुल गया है और उसमें अभी देख रहे हैं रफीक भाई कि प्रॉब्लम क्या है। तो रफीक भाई ने कोशिश कर लिया है जितना भी कोशिश करना था, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, अभी वैसे ही पुराना जैसे हम चला रहे थे अब तक। तो चलो यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया है, तो इतने कोशिश के बाद भी अपना GoPro का माइक प्रॉब्लम जो है ये ठीक नहीं हुआ। पर एक चीज़ आज हमको मालूम पड़ गया कि अपने GoPro का जो माइक अडैप्टर है वो ठीक है, क्योंकि एक दूसरा GoPro में हमने लगाया था अपने माइक अडैप्टर को तो उसमें ये ठीक ठाक से चल रहा था। तो प्रॉब्लम जो है वो है अपने GoPro में, इसका एक ही सलूशन है GoPro एक नया खरीदना, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। तो अपना मोटो ब्लॉगिंग जो है वो प्रॉपर से हम कर नहीं पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वेलिंगटन, तो वेलिंगटन से अपने बाइक के लिए बहुत सारा सामान लेना है, तो चलो वही ले लेते हैं। सो गुड मॉर्निंग भाई लोग और भाई लोग के बहन लोग। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ आकाश के गैराज में। तो पहले से ही जो मेरा वीडियो देखता है उसको तो पता ही है कि बाइक का जो हर काम मैं आकाश से ही करवाता हूँ, और भाई ने अपना गैराज भी खोल लिया है। और ये रहा अपना विरोनिका, तो इसमें अभी थोड़ा बहुत काम होने वाला है। तो कल वेलिंगटन जाने के वक्त अपना GoPro का बैटरी ख़त्म हो गया था और कुछ भी ब्लॉग बना नहीं पाया, और अपना GoPro का ओरिजिनल वाला जो बैटरी है वो भी पूरा ख़त्म, यानी कि उससे अब नहीं होगा, अभी दूसरा खरीदना होगा। तो मोटो ब्लॉगिंग करने में अभी कुछ दिन दिक्कत होने वाला है क्योंकि मेरे पास एक ही बैटरी है जो कि 15 मिनट चार्ज देता है, तो उससे तो मोटो ब्लॉगिंग नहीं बनेगा। तो कल वेलिंगटन से जो ख़रीदा था उसको एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रहा इंजन ऑयल 300V, 10W50 लाने का ख्वाहिश था मेरा, मैं गया भी था 10W50 लाने के लिए पर नहीं मिला, तो 15W15 लेना पड़ा क्योंकि 10W50 अभी बंद हो चुका है। और ये रहा ऑयल फिल्टर, ये रहा एयर फिल्टर, और ये रहा एक्सेलेटर केबल। तो ये वाला जो केबल है ये हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा था, इसलिए हमको वेलिंगटन जाना पड़ा। तो यार क्या बताओ, इस लॉकडाउन के बाद से ना हर एक पार्ट्स का कीमत इतना बढ़ गया है कि क्या बताओ, अभी बाइक रिपेयर करने में ना खर्चा डबल हो चुका है। और ये रहा आकाश भाई ने नया गैराज खोला है, ज़रूर एक बार विजिट करके जाना, और पिछले बार भी आया था तब भी दिखाया था, अब भी दिखा रहा हूँ, भाई ने मिठाई नहीं खिलाया। तो जो भी हो आकाश के हवाले यहाँ पे विरोनिका है, तो इसमें जितना भी काम होगा वो ये करके देगा। अगर आपका भी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है तो
आकाश, डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे देखिए नंबर उसका फ्लैश हो रहा है। तो ये रहा आकाश का गैराज रेंज पॉइंट। तो अभी चलो बाइक का काम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को करते हैं एक पे एंड। तो अभी हम बाइक पे जितना भी काम कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो देखने के लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा अपने चैनल में। तो चलो इस वीडियो को करते हैं एक पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड गुड बाय।